दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से कांग्रेस की धाकड़ नेत्री किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है, तब से एसआरके की जो मजबूत तिकड़ी थी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समय समय पर टक्कर देती रहती थी, तो उनके इसका भाजपा में शामिल होने के बाद यह तो निश्चित है कि एसआरके गुट कमजोर हुआ है। और किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के भाजपा में शामिल होने के बाद जिस तरीके से कुमारी शैलजा का दर्द छलका है, चूंकि वो किरण चौधरी उनका दायना हाथ बनकर रहती थी और एसआरके गुट मजबूत था, और एसआर गुट के मजबूती के चलते ही गाये बगाए मीडिया में और कांग्रेस में कुमारी शैलजा के सीएम बनने की चर्चाएं चलती रहती थी। चर्चा ही नहीं चलती थी, बल्कि लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद कुमारी शैलजा का मन हरियाणा की राजनीति में ही रमता है। और हकीकत तो यह है कि जहां वो कांग्रेस हाईकमान की चहेती हैं, वहीं वो अपना राजनीतिक जो कैरियर है और उनका जो लक्ष्य है, हरियाणा का सीएम बनने का है। उनका जो सपना है हरियाणा का सीएम बनने का है, और उसी नीति के चलते हुए लोकसभा चुनाव से पहले कुमारी शैलजा और एसआरके गुट ने पूरे हरियाणा का दौरा किया था, पूरे हरियाणा में जनसभाएं की थी, और उन जनसभाओं से कुमारी शैलजा और एसआरके गुट ने अपनी ताकत दिखाई थी। और ये माना जाने लगा था कि वो जो पूरे हरियाणा का दौरा कुमारी शैलजा ने अपने गुट के साथ किया, तो उससे उनका हरियाणा का सीएम बनने का दावा मजबूत होता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से कुछ राजनीतिक घटनाएं हरियाणा में घटी हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी पूर्व सीएम हुड्डा मजबूत होकर उभरे हैं, और ये भी तय है कि वो हर उस कांटे को अपने रास्ते से हटाते रहे हैं, उसमें कामयाब रहे हैं जो भी उनकी सत्ता के आड़े बन आता है या उनके लिए चुनौती बनता है। तो इसी नीति के तहत हुड्डा जी ने किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया, और जो दायना हाथ थी कुमारी शैलजा का, वो भाजपा में चली गई। और कुमारी शैलजा ने कुछ छिपाया नहीं है, उन्होंने सीधे सीधे इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोषी ठहराया है और सीधे आरोप लगाए हैं कि वो जो है केवल अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाने में लगे हुए हैं, इसके अलावा कोई भी नेता लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में अपनी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ हुड्डा ग्रुप दबा देता है या उसे पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर देता है। पिछले वर्षों में कितने नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, वो भी एक लंबी कहानी है, लंबी फहरिस्त है। लेकिन दोस्तों, जहां इस दौरान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत होकर एक बार फिर निकले हैं और लग रहा है कि अब उनके सामने कोई नहीं है और एकमात्र कांग्रेस के सबसे दमदार नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और यदि किस्मत ने साथ दिया कांग्रेस का
और कांग्रेस के विधायक भाजपा से ज़्यादा आए, यानी 45 विधायकों से ऊपर कांग्रेस गई, तो ये मानकर चला जा रहा है या हुड्डा ग्रुप ये मानकर चल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तीसरी बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और यदि वो नहीं बने तो उनकी जगह उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की कमान संभालेगा। लेकिन इसके अतर दोस्तों ये भी सच है कि बीच बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृहमंत्री अमित शाह जी से वक्तन पवक्तन मिलते रहे हैं, और माना जाता है, मैं उनकी पुष्टि नहीं करता लेकिन चर्चा जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा हाईकमान के बीच में कोई ना कोई डील अवश्य है। और कहा यह भी जाता है, वो कितना सच है कितना झूठ है, कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा हाईकमान के इशारों पर काम नहीं किया तो चुनावों से पहले ही भाजपा हाईकमान उन्हें जेल पहुंचाने का इंतजाम कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी ये दावा कर चुके हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनने के सपने देख रहे हैं उनकी जगह हमने जेल में तय कर रखी है। तो दोस्तों जब कहीं चिंगारी भड़कती है कहीं तभी धुआं उठता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि कभी मौका आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को दगा देकर भाजपा का हाथ थाम सकते हैं, और यदि भाजपा हाईकमान का कहना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं माना तो अनिल विज के शब्दों में भाजपा नेतृत्व उनकी जगह जेल में बना चुका है, यानी जेल में भेजने का पूरा इंतजाम कर चुका है। और जैसा कि रिकॉर्ड रहा है भाजपा हाईकमान का कि विपक्षी दलों के नेताओं को जो उनका कहना ना माने, उनकी पार्टी में ना आए, तो उन पर सच्चे झूठे मुकदमों में फंसाकर उनको जेल में ठूंस देना, ये भाजपा नेतृत्व का एक पिछले 10 साल से रवैया रहा है, और जेल कोई भी नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों ये बड़ा खतरनाक सा मुद्दा है कि कहां तो एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस का नेतृत्व करके उसको पुनः सत्ता में लाने का दावा कर रहे हैं, और कहां उन पर विपरीत तरीके से उनके विरुद्ध भाजपा नेतृत्व उन्हें जेल भेजने का भी दावा कर रहा है। और एसआर के गुट और कांग्रेस के कई और भी नेता वक्तन पवक्तन ये दावा करते रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस के प्रति वफादारी संदिग्ध है और वो कांग्रेस हाईकमान को कभी भी गच्चा देकर कोई भी ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे कि हरियाणा में भाजपा को बहुत बड़ा फायदा हो और भाजपा तीसरी बार सत्ता में लौट सके। तो दोस्तों हम इन सब बातों का कि ना तो पुष्टि करते हैं, लेकिन मैंने तो कहा कि भाई हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये दावा किया था और कांग्रेस के भीतर से भी इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा जी पर उंगलियां उठती रही हैं। लेकिन दोस्तों राजनीति इसे ही कहते हैं, और कई तरीके के आरोप राजनीति में लगते रहते हैं,
समय समय पर कुछ सच भी निकलते हैं, कुछ झूठ भी होते हैं, कुछ जानबूझकर डिमोलाइज करने या उस नेता का राजनीतिक कैरियर और कद खत्म करने के लिए भी बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आने वाले 4 महीनों में विधानसभा के जब हरियाणा के चुनाव होंगे तो सब पता चल जाएगा कि जो हुड्डा विरोधी कांग्रेस का खेमा है या अनिल विज जो दावे करते रहे हैं, इनमें क्या सच्चाई है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये दावा करते रहे हैं कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूं, मेरे पिता भी कांग्रेसी थे, हमारा परिवार सदियों से कांग्रेसी है, दशकों से कांग्रेसी है, मेरा कांग्रेस को छोड़कर जाने का कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता और मैं भाजपा को इस बार सत्ता से दूर रखकर कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम हर कीमत पर करूंगा, तो ये दावा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब दावों का कौन कितना सही है, कौन सा दावा किसका गलत है, कौन सही किसका दावा सही है, आने वाले 4 महीनों में जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि किसके आरोप में कितना दम था, किसके आरोप गलत थे, किसके सही थे। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए मुद्दे पर, नए एपिसोड में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।